नमस्कार दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवरिंग ऑफ किडनी। ओके, कितनी होती हैं हमारी किडनी में कवरिंग? चार कवरिंग होती हैं। फर्स्ट होती है कौन सी? देखो, फर्स्ट कवरिंग कौन सी होती है? कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। दूसरी होती है फैटी लेयर, है ना। कौन सी फैट? पीरी नेफ्रिक या पेरी रीनल फैट, फैटी लेयर हो गई। थर्ड कौन सी है? फेसिया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रीनल फेसिया, ठीक है। और फोर्थ होती है पैरा नेफ्रिक या पैरा रीनल, तो पैरा रीनल फैट। अब इन चार को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी का कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए ट्रांसवर्स सेक्शन में एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, ये है मान लीजिए कि अपनी किडनी, ओके ये किडनी है, और ये जो चारों तरफ से मैंने लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? कैप्सूल ऑफ द किडनी। अब ये जो कैप्सूल होता है, देखो बेटा प्लीज स्टेप से ही चलना है ना, ये कैप्सूल जो होता है वो कैसा है? एक तो थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। कैप्सूल जो किडनी का होता है, किडनी के बाहर की तरफ ये जो लाइनिंग दिखा रहे हैं अपन, यही है क्या? कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, किडनी के साथ में ये कैप्सूल क्लोजली इन्वेस्ट होता है, ठीक है ना, क्लोजली अटैच्ड होता है। और ये पूरे, ये जो क्या है ये पार्ट किडनी का, साइनस, यहाँ भी इसकी लाइनिंग पाई जाती है। ओके, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब हमारी किडनी, नॉर्मल किडनी की बात कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल जो होती है किडनी, तो ये जो कैप्सूल है इसको हम ईजली स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं या इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिसीज़ है तो यह किडनी के साथ में क्या हो जाता है? एधरेंट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है और इसको हम नहीं निकाल पाते। ओके, सिंपली समझ में आ गया क्या क्या बताना है कैप्सूल में? फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल किडनी के बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड होता है या क्लोजली इन्वेस्ट होता है, ठीक है ना। एक थिन मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कहाँ तक है? देखो, रीनल साइनस में भी प्रेजेंट है, मतलब पूरी किडनी को कवर करके रखी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉर्मली किडनी के साथ में जब हम किडनी का डिसेक्शन करते हैं या कुछ भी, है ना, तो इसको हम निकाल सकते हैं, जनरली इजिली इसको हम बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिसीज़ हुई तो यह किडनी के साथ चिपक जाता है, एडहेरेंट रहता है, जिसको हम इजिली नहीं निकाल सकते। ये हुआ पहला पॉइंट, कैप्सूल ऑफ द किडनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बात करेंगे? पेरी रीनल फैट या पेरी नेफ्रिक फैट, ये वाला पेरी रीनल या पेरी नेफ्रिक। पेरी मतलब इसके चारों ओर, मतलब ये देखिए, मैं येलो कलर में आपको ये दिखा रहा हूँ डॉट डॉट में। और जो ये फैट होता है, इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि देखो ये कहाँ तक, ये देखिए रीनल साइनस, है ना, यही एक फैट है जो किडनी के रीनल साइनस तक में भी पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है ये पॉइंट। तो ये येलो कलर में हमने क्या दिखाया डॉट डॉट में? पेरी नेफ्रिक या पेरी रीनल फैट। ये किसका बना हुआ होता है, ठीक है ना, ये किसका बना होता है? सबसे पहला पॉइंट तो एडिपोज टिश्यू का, ठीक है ना। ये एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है जो किडनी के कैप्सूल के बिल्कुल आउटसाइड, कैप्सूल है ये जो, उसके बाहर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे येलो कलर वाले डॉटेड स्ट्रक्चर को, डॉटेड नहीं होता, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल सकते हैं या क्या कहते हैं? पेरी रीनल या पेरी नेफ्रिक फैट। समझ में आ गया होगा बेटा। थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला है? रीनल फेसिया, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब रीनल फेसिया की जब बात आ गई है तो हम बताएंगे कि इसकी कितनी लेयर होती हैं? दो लेयर होती हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग लेयर होती हैं। एक तो एंटीरियर साइड
ये आप प्लीज़ देखें, ये एंटीरियर साइड और दूसरी पोस्टीरियर साइड। ये डार्क में मैंने दिखा दिया, एंटीरियर रीनल फेसिया, पोस्टीरियर रीनल फेसिया, ध्यान रखना प्लीज़। ये किडनी का कौन सा वाला पार्ट होगा, ये लेटरल और ये मीडियल, ध्यान देना प्लीज़। ये वाला जो है एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया और ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया, ये दोनों लेटरल है ना, किडनी के लेटरल पार्ट में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उस स्ट्रक्चर को या एक फेसिया फॉर्म करते हैं, उस फेसिया को क्या बोलते हैं अपन, लेटरल कोनल फेसिया। और लेटरल कोनल फेसिया एक और दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यू हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फेसिया ऑफ या फेसिया ट्रांसवर्सेलिस। क्लियर ना बेटा, देखो एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया, पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया, लेटरल साइड में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लेयर फ्यूज होकर के क्या बना रही हैं, लेटरल कोनल फेसिया, ठीक है ना। और ये लेटरल कोनल फेसिया के साथ ये कंटिन्यू किसके साथ हो जा रही हैं, फेसिया ट्रांसवर्सेलिस। ओके क्लियर ना, ओके चलिए। अब ये तो बात हुई किधर की, अब थोड़ा सा डायग्राम मैं पूरा कर दूँ उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस तो 2 मिनट आप वेट करें, मैं इस डायग्राम को पूरा कर देता हूँ उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा लंबर वर्टिब्री, ठीक, यहीं से 2 मसल्स लगी रहती हैं बेटा। कौन सी मसल होती हैं, देखिए एक तो ये मसल लगी होती है और दूसरी ये, देखो आप प्लीज़, एक ये वाली मसल, ठीक है, और दूसरी ये, ध्यान देने की क्या बात है हमें कि जो ये एंटीरियर लेयर होती है ना, लेटरल साइड में तो फ्यूज होगी लेकिन मीडियल साइड में ये फ्यूज नहीं होती, लेकिन किडनी के पीछे पीछे साइड ये इससे मिल करके और इन मसल्स के लिए क्या बना देते हैं, फेसिया, ठीक। और ये कौन कौन सी मसल होती हैं, ये तो कौन सी है, क्वाड्रेटस लंबोरम और श्वास मेजर मसल, ठीक है ना, श्वास मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम। ये मीडियल साइड में, ये लेटरल साइड में तो फ्यूज हो गई लेकिन मीडियल साइड में फ्यूज नहीं होती है ना, किडनी के पीछे ये फ्यूज हो करके और एक सिंगल फेसिया इन मसल्स के लिए फॉर्म कर देती हैं, ठीक है ना। और ये हमने देखा क्या, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया, अभी देखना है। तो एक तो ये देख लिया हमने, प्लस एंटीरियर जो लेयर है वो किसके सामने, या देखना प्लीज़, थोड़ा सा वेट करें आप। ये यहाँ से हम निकालेंगे क्या, ब्लू कलर में एक स्ट्रक्चर, ये साइनस से लगा हुआ है या रीनल के, वो रीनल कह रहा हूँ सॉरी, किडनी के हाइलम से। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आईवीसी, ये आईवीसी है और ये रीनल वेन, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर यहीं से लगा होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, ये रीनल आर्टरी विद एओर्टा, ठीक है। ये जो एंटीरियर लेयर मैंने बताई, ये आगे, ये देखिए एक लेयर फॉर्म करती है और किसके सामने से, ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, इनके ऊपर है ना, इसके एंटीरियर साइड से ये आगे की ओर निकल जाती है, ठीक है ना, एक्सटेंड कर जाती है। तो हमने ये देखा क्या, रीनल फेसिया का एक्सटेंशन या एक्सटेंशन ऑफ
रीनल फेसिया। तो कितनी लेयर से मिलकर बना है रीनल फेसिया? दो लेयर से। देखो बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा, बस एक लेयर और बची है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रीनल फेसिया। फोर्थ लेयर है पैरा रीनल या पैरा नेफ्रिक फैट, ठीक है। और इसका अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट किडनी के, ये कौन सा पोल है? लोअर पोल है ना, इधर देखा जाता है या इधर पाया जाता है ना मोस्ट। देखो आप प्लीज़ यहाँ पर आप फोकस करें, ये डॉट डॉट में बना रहा हूँ जो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पैरा रीनल या पैरा नेफ्रिक फैट, ठीक है। देखो ये कहाँ पर है रीनल फेसिया के? देखो पोस्टीरियर रीनल फेसिया, ये पोस्टीरियर दिख रही है आपको, है ना। मतलब कहना क्या चाहिए कि रीनल फेसिया के बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ लोअर पोल, ये लोअर पोल के, है ना, ये लोअर पोल, ये लोअर पोल है हमारी किडनी का, ये वाला लोअर पोल के इस साइड में यहाँ पर ये क्या होता है? फिल होता है। कौन? पैरा रीनल या पैरा नेफ्रिक फैट। और ये किस टाइप का फंक्शन करता है? कुशन लाइक, है ना, मतलब किडनी के लिए, हमारे किडनी के लिए क्या फॉर्म कर रहा है? कुशन, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये हमने चारों चीज़ें देखी, और ये स्ट्रक्चर हमने किस व्यू में लिया है? ये जितना भी हमने डायग्राम बनाया किस व्यू में है? ये ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो चलिए मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, बस कुछ वेट करें आप। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? रीनल कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया? येलो कलर में, देखो तो उसको येलो कलर में नहीं दिखाएंगे, नहीं लाइट दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये जो कैप्सूल के बिल्कुल ठीक बाहर है। क्या बताया हमने इसको? पेरी रीनल, पेरी रीनल फैट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया? रीनल फेसिया। तो ये ग्रीन कलर में हमने रीनल फेसिया दिखाया है, तो ये कौन सा है रीनल फेसिया? एक फर्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे एंटीरियर रीनल फेसिया, क्योंकि हमने दो लेयर बताई, और दूसरे पॉइंट में हम क्या बताएंगे? पोस्टीरियर रीनल फेसिया। तो ये हो गए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल फेसिया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया? ये पैरा रीनल या पैरा नेफ्रिक, तो हम बता देते हैं यहां पर पैरा रीनल फैट, ये चार लेयर हो गई, ठीक है ना। ये क्या है? देखो अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? रीनल साइनस। तो पेरी रीनल फैट जो है साइनस तक भी एक्सटेंड करता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये है आईवीसी, आईवीसी, और उसके साथ में एंटर कर रही है कौन सी, कौन सा स्ट्रक्चर है? ये रीनल वेन, ये है अपना रीनल वेन, ठीक। ये रेड कलर में क्या है? ये एओर्टा, और ये क्या है? रीनल आर्टरी, ये स्ट्रक्चर क्या है? लंबर वर्टिब्री, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं हालांकि, है ना, लंबर वर्टिब्री, ठीक है। ये कौन सी मसल है? श्वास मेजर, श्वास मेजर, और ये क्या है? क्वाड्रेटस लंबोरम, ये इतना सारा हमने स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें अपन ने कवर की। देखो पहला पॉइंट हमने क्या बताया? फाइब्रस कैप्सूल, दूसरा पेरी रीनल फैट, तीसरा रीनल फेसिया,
तो थर्ड में ही आ जाएंगे ये, तो थर्ड में बता देता हूँ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल फेसिया, और फोर्थ क्या है पैरा रीनल फैट। अब ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि जो हमारा रीनल फेसिया होता है, एंटीरियर रीनल फेसिया को एक और नाम से जानते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, फेसिया ऑफ जिरोटा, फेसिया ऑफ जिरोटा, फेसिया ऑफ जिरोटा। और पोस्टीरियर लेयर को या पोस्टीरियर रीनल फेसिया को एक और नाम से जानते हैं क्या, फेसिया ऑफ जुकर कैंडल, फेसिया ऑफ जुकर कैंडल। जुकर कैंडल, ठीक है ना, आपकी समझ में आ रही ना मेरी बात। एक पॉइंट रह गया, ये हमने पीछे साइड में क्या बताया है, फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, ये फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, ये स्ट्रक्चर, ये अपना हो गया कंप्लीट। कौन सा सेक्शन, ये कौन सा व्यू हमने देखा, कौन सा व्यू देखा बेटा हमने, ट्रांसवर्स सेक्शन। देखो यहां पर अब मेंशन कर देते हैं अपन, ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लंबर रीजन शोइंग द कैप्सूल ऑफ किडनी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बेटा, पर आपके समझ में आएगा, है ना। तो ये हमने चीज़ें देख ली, ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन या ट्रांसवर्स व्यू में देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, वर्टिकल व्यू, कि ये जो फेसिया है ना, कहाँ कहाँ पर वर्टिकली क्या कोई कंपार्टमेंट फॉर्म करेगा या कुछ और फॉर्म करेगा, उसको देखेंगे। तो ये हमने क्लियर किया क्या, ट्रांसवर्स व्यू में चारों लेयर कौन कौन सी, कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, रीनल फेसिया एंड पैरारीनल फैट, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे वर्टिकल व्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा व्यू देखेंगे अपन, अब वर्टिकल, ठीक है। ये है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, स्पेशली हम रीनल फेसिया के लिए देख रहे हैं ना बेटा, ये है हमारी कौन सी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। प्लस 11th रिब एंड 12th रिब, ये येलो कलर में मैंने कलर कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक। यहीं से एक स्ट्रक्चर लगा होता है, कौन सा, डायफ्राम, ये है डायफ्राम, ठीक। डायफ्राम के बिल्कुल ठीक नीचे ये देखिए एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, और ये येलो कलर में तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं अपन, सबकोस्टल वेसल्स एंड नर्व, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, ये है हमारे, एक किडनी बना रहा हूँ, देखो किडनी का आउटलाइन बना रहा हूँ कैप्सूल की स्पेशली, ठीक है। ये है हमारी किडनी का कैप्सूल, या इसी को क्या कह सकते हैं हम, कैप्सूल ऑफ द किडनी, ठीक है ना, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी। इसको डार्क कर देते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये
नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बताएंगे, हमारा रीनल फेसिया। देखो ये है पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया और ये है एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया। ध्यान दो बेटा प्लीज़, यहाँ पर फोकस करना है अब आपको। ये क्या है, एंटीरियर लेयर है रीनल फेसिया की और ये क्या है, लेयर है पोस्टीरियर लेयर। ये क्या है, अपर पोल है किडनी का हमारे, कौन सा पोल है, अपर पोल। यहाँ पर ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर आपस में मिल जाती हैं और एक सेप्टा फॉर्म करती हैं, है ना। तो किडनी को ये पूरी तरह से सेपरेट कर देती हैं। उसके बाद ये फिर से अलग अलग हो करके एक और कंपार्टमेंट फॉर्म करती हैं और वो किसके लिए कंपार्टमेंट होगा बेटा, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होता है किडनी के ठीक ऊपर या अपर पोल में, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। ध्यान देना यहाँ पर कि जो ये कंपार्टमेंट फॉर्म हुआ है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रीनल फेसिया के कारण, देखो एंटीरियर लेयर पोस्टीरियर लेयर अपर पोल में, किडनी के अपर पोल में फ्यूज होकर के एक सेपरेट कंपार्टमेंट किडनी के लिए और एक सेपरेट कंपार्टमेंट सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए। अगर बाय चांस नेफ्रेक्टोमी, है ना, सर्जरी से हम किडनी को अगर बाहर भी कर देते हैं तो इस सेप्टा की वजह से सुप्रा रीनल ग्लैंड नीचे नहीं आती, ध्यान रखना, है ना। और आगे चल करके देखो, अब ये आगे हमने दिखाया ना ये पार्ट, आगे चल करके किसके लिए कंपार्टमेंट फॉर्म कर दिया, सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए, और आगे ये फ्यूज होकर के किसके साथ कंटिन्यू हो जाती हैं, डायफ्रेगमेटिक फेसिया के साथ, ठीक है ना बेटा। अपर पोल की बात कर रहा हूँ, लोअर की नहीं, अपर पोल में एंटीरियर लेयर ऑफ फेसिया रीनल फेसिया, एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया, पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया किडनी के अपर पोल में जाकर के एक सेप्टा फॉर्म करती हैं जिसके कारण दो कंपार्टमेंट फॉर्म हो जाते हैं। पहला कंपार्टमेंट सेपरेटली किसके लिए है, किडनी के लिए, और दूसरा कंपार्टमेंट सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए, और आगे चल करके एक डायफ्रेगमेटिक फेसिया के साथ कंटिन्यू हो जाती हैं। ओके ना बेटा, इतना समझ में आ गया। तो ये हुआ अपर पार्ट में, ठीक है, वन सेकेंड, है ना, मैं यहाँ पर ये फैटी लेयर भी ऐड कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम दें आप प्लीज़। चलिए ये लेयर आपको दिख रही होगी, अब देखिए आगे चलते हैं अपन। ये कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये डायफ्राम, क्या है ये, डायफ्राम, बता देते हैं अपन, ये क्या है, डायफ्राम, और यहाँ से किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है लेयर, डायफ्रेगमेटिक फेसिया। ठीक है ना, एक पॉइंट, ये रेड कलर में क्या दिखाया गया है, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक। ये कौन सी लेयर है ग्रीन कलर में, ये वाली एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया, एंटीरियर, जिसको हमने और क्या बोला है, जीरोटा, एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया जीरोटा, है ना, और ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया जिसको हमने और क्या बोला है, फेसिया ऑफ जुकर कैंडल, तो ये है पोस्टीरियर लेयर, ठीक। ये दोनों लेयर क्या हैं, रीनल फेसिया की, है ना, अलग अलग होती हैं, ऊपर की ओर अपर पोल में किडनी के फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होने के बाद किडनी के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट और सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर्म करती हैं और आगे चल करके डायफ्रेगमेटिक फेसिया के साथ कंटिन्यू हो जाती हैं। ओके,
अब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है यहाँ पर, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये वाला पार्ट। ये क्या है? प्लूरा ऑफ द, प्लूरा है ना, कवरिंग होती है किसकी? लंग्स की। प्लूरा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इलेवेंथ रिब। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्वेल्थ रिब। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या हैं? ये सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व। ये क्या स्ट्रक्चर है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब लोअर पोल पे आते हैं। लोअर पोल में देखो एक और चीज़ रहेगी बस लास्ट, ये क्या है? फाइबरस कैप्सूल। या कैप्सूल ऑफ द किडनी, ठीक है। ये कौन सी लेयर है? एंटीरियर। और ये कौन सी है? पोस्टीरियर। देखो ये दोनों लेयर लोअर पोल में है ना, क्या हो रही हैं? लोअर पोल में ये एक दूसरे में फ्यूज नहीं होती, ध्यान रखना है बेटा, है ना। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर किडनी के लोअर पोल में फ्यूज नहीं होती, लेकिन अपर पोल में दोनों मीट कर जाती हैं और सेप्टा फॉर्म कर रही हैं, लेकिन लोअर पोल में सेप्टा फॉर्म नहीं करती। तो क्या करती होंगी? किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यू हो जाती हैं। तो एंटीरियर लेयर जो होगी वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगी? देखिए यहाँ पर फ्यूज विद द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू एट राइट इलियक फोसा। कहाँ पर? राइट इलियक फोसा। तो ये हो गए हमारे एंटीरियर रीनल फेसिया का लोअर पोल में फ्यूजन। किसके साथ फ्यूज हो रही है बेटा? देखो आप देखो कहाँ पर फ्यूज हो, किसके साथ फ्यूज हो रही है? फ्यूज किसके साथ हो रही है? फ्यूज विद द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी टिश्यू के साथ एट द राइट इलियक फोसा, ठीक है ना। कहाँ पर? इलियक फोसा में। किसके साथ हो रही है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी टिश्यू के साथ या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के साथ। दूसरी लेयर कौन सी है? पोस्टीरियर लेयर। तो पोस्टीरियर लेयर, ये दोनों अलग अलग ही हैं, तो पोस्टीरियर लेयर किसके साथ कंटिन्यू हो जाएगी? ब्लेंडेड विद, ब्लेंड हो जाएगी किसके साथ में? विद फेसिया इलियाका, फेसिया इलियाका इसके साथ में, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा बेटा कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, और यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो ये किस व्यू में हमने देखा? ये हमने देखा वर्टिकल व्यू। कौन सा व्यू देखा? वर्टिकल। तो ये रहा वर्टिकल सेक्शन थ्रू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल शोइंग द रिलेशन रिलेशनशिप ऑफ द प्लूरा टू द किडनी। तो ये कौन सा व्यू हुआ? ये वाला वर्टिकल व्यू, ये हमने देखा। और ये कौन सा व्यू था?
ट्रांसवर्स व्यू। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ओके, ये हो गया अपना कंप्लीट कवरिंग ऑफ द किडनी। ओके, थैंक यू।